एक स्टिंग ऑपरेशन किया मीडिया के लोगों ने, और उसके अंदर उन्होंने देखा कि कितने सांसद अपने क्षेत्र के प्रति जिम्मेवारी समझते हैं, कितने ईमानदार हैं। उसमें कोई 30 लोग इस तरह के थे जिनको इन्होंने अलग अलग जगह पे जाके स्टिंग ऑपरेशन उनके किए, और उनमें हमारा सरसा का जो सांसद है, जब उसके सामने 10 करोड़ रुपए रखे तो उसने कहा कि मुझे पैसों की जरूरत नहीं, मेरे यहाँ पे इंडस्ट्री लगे, यहाँ के पढ़े लिखे नौजवान बच्चों को नौकरी और रोजगार मिले, ये पैसा आप उन मालिकों को फैक्ट्री जो लगाना चाहते हैं उनको वापस दे देना, और उनका जाकर के मेरी तरफ से केवल ये रिक्वेस्ट कर देना कि भाई जब इस फैक्ट्री लग जाए इसमें नौकरी करने वाले बच्चे भी हमारे इलाके के हों, मैं हर वक्त उनकी मदद के लिए तैयार हूँ। सबसे ईमानदार सांसद का सर्टिफिकेट अगर हरियाणा इस देश में किसी को मिला है तो वो सरदार चंद्रजीत सिंह लोढ़ी को मिला है। जो गरीब घर का व्यक्ति है और उसने अपनी ईमानदारी को जिंदा रखने का काम किया, हमने उसको भी फिर से चुनाव मैदान में उतारा है। अब कल के बाद मान के चलो आने वाले 3-4 दिन में जब तक स्क्रूटनी ना हो जाएगी उसके बाद तक चुनाव का माहौल थोड़ा थोड़ा उठना शुरू होगा। मैं औरों की तरह ये दावा तो नहीं करता कि इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी 10 की 10 सीट जीत जाएगी, लेकिन ये बात दावे के साथ कह सकता हूँ हमने मोदी की लहर को रोकने का काम किया। पिछला जो लोकसभा का चुनाव था उसमें मोदी की बहुत बड़ी लहर थी, और पूरे जो नॉर्थ इंडिया जिसको आप कहते हो, जिसमें उत्तर प्रदेश से लेकर के गुजरात और मध्य प्रदेश तक का इलाका जो आता है, उसमें अगर किसी ने मोदी की लहर को रोकने का काम किया था तो इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी ने किया था। और अब की बार भी कांग्रेस और भाजपा सत्ता में नाश के इसमें रोकने में अगर कोई बड़ी भूमिका निभाएगा तो नेशनल लोकदल पार्टी ही निभाएगी। हम हरियाणा प्रदेश के अंदर पहले से हमारा अच्छा प्रदर्शन है और हम ज़्यादा सीटें सबसे ज़्यादा सीटने वालों में इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी को है। अभय जी, बादल परिवार के साथ आपके काफ़ी अच्छे संबंध रहे हैं और उन्होंने हरियाणा में जिस तरह से अकाली दल बादल ने बीजेपी का समर्थन किया है, क्या मानते हैं? देखो, उनकी अपनी कोई मजबूरी हो सकती है क्योंकि उनके पंजाब में उनके साथ गठबंधन है। मैं तो परमात्मा से प्रार्थना कर रहा था कि ये गठबंधन जरूर हो, कांग्रेस ने तो नकार दिया, ताकि लोगों के सामने इनका असली चेहरा उजागर हो जाए, पता लग जाए कि ये वो लोग हैं जो कांग्रेस के हाथों में खेल के हरियाणा प्रदेश के युवाओं के भविष्य को खराब करना चाहते हैं। जिन लोगों ने एक उम्मीद लगाई थी हमारे से कि अब की बार इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी की सरकार बनेगी, इस कांग्रेस ने कुछ हमारे साथियों को हमारी पार्टी से अलग कर दिया, कईयों को भुला फुसला करके कईयों को लालच लोग दे जो खेल खेलने का काम किया था। हमने उस वक्त भी कहा था कि ये टोटल कांग्रेस की गेम है, कांग्रेस के हाथों में खेलने वाले लोग। अब ये चीज़ स्पष्ट होगी जब तीनों महागठबंधन के लिए एक दूसरे के दरवाजे पर नाक रगड़ रहे तो सारी चीज़ें स्पष्ट होगी कि ये तो अपने दाम लगाना चाहते हैं, इनको प्रदेश की जनता से कोई सरोकार नहीं। डॉक्टर संतोष दहिया ने अभी जेजेपी में चली गई है, टिकट नहीं मिली या कुछ और कारण है? ये इस तरह की पोस्टें जेजेपी को आदत है लगाने की, किसी के घर में जाते हैं, घर में जा करके चाय पियेंगे, फिर झंडा मंगाएंगे, किलो झंडा पकड़ो, झंडा पकड़ने से कोई जेजेपी कांग्रेस पे नहीं जाता। आप मान के चलो संतोष दहिया ने हमारे साथ काम किया और 100% हमारे साथ थे। मुझे लगता है ये झंडे दूसरों को पकड़ाने वाले कहीं आकर के अनक का झंडा फिर ना पकड़े। कुरुक्षेत्र सीट से अर्जुन चौटाला की कुरुक्षेत्र लोकसभा में दो बड़े लोगों की भावनाएं थी। हमारी पार्टी का जो कुरुक्षेत्र का कैथल का यमुनानगर का जो संगठन है उन सब ने आपस में बैठ कर के ये फैसला लिया कि हमारे यहाँ से अर्जुन चौटाला को चुनाव में
पार्टी की तरफ से खड़ा किया जाए। हमारे पास और नाम थे चुनाव के लिए, लेकिन सारे संगठन ने ये जिम्मेवारी अपने ऊपर ली। जब मैंने उनसे जाकर के, मैंने अशोक अरोड़ा जी ने जाकर के डिस्ट्रिक्ट वाइज पूछा कार्यकर्ता, तो उन्होंने ये कहा कि जब आपने हमारे ऊपर छोड़ दिया तो आप फिर हमें समय दो, हम फैसला करेंगे कि किसको चुनाव लड़ाना है। और उन्होंने आपस में मिल बैठ करके बात करके फैसला किया कि अर्जुन चौटाला को लड़ाया जाए। हमने चौटाला साहब के सामने हमारे कार्यकर्ताओं को प्रबोधन रखी, उन्होंने इस पर किया। क्या महाभारती से धरती पर अर्जुन की तरह जीतेंगे? अर्जुन पहले भी नहीं आ रहा था, अर्जुन ने ही कुरुक्षेत्र के अंदर जो कौरव जिनको बहुत बड़ा नशा था, जिन्होंने एक इंच जमीन जो मुझे दुर्योधन कह रहे थे वो दुर्योधन बड़े हुए आजकल। इन्हें लोग अपना प्रतिद्वंदी किसे मानते हैं हरियाणा में, कंपटीशन किस हिसाब से होगा? ये तो अभी 5-6 दिन के बाद तस्वीर उभर करके सामने आएगी। आज कोई कुछ कहता फिरे, आज की तारीख में किसी को किसी चीज़ का कोई अंदाजा नहीं लग सकता। ये सब फजूल के राजनीतिक दावे हैं कि हमारा है, हम यहाँ खड़े हैं। ये तो जनता जनार्दन है जिसने फैसला करना है। जैसे जैसे चुनाव नजदीक आएगा तस्वीर वैसे वैसे साफ हो जाएगी। नवीन जिंदल का टिकट ना लेना या छोड़ना कहाँ देखते हैं? हमने कहा कांग्रेस का दिवालिया पीढ़ी है। भूपेंद्र सिंह हुड्डा को जबरदस्ती सोनीपत में लड़ाया जा रहा है, नवीन जिंदल यहाँ से टिकट छोड़ करके चले गए। सुरजावाड़े को ये बयान देना पड़ा कि मेरी कमर में दर्द है, तो मान के चलो कांग्रेस का दिवालिया पिट गया। तभी तो इस तरह के हालात पैदा होते। अगर कांग्रेस में दम होता तो टिकट लेने वालों में लाइन लगी होती। इनेलो जीतने के बाद सरकार बनाने में किसका सहयोग करेगी, किसका समर्थन करेगी? एक बार जीता तो था जी, धन्यवाद।